चंचल जी इधर आ जाइए। जा रहा है ये सीआरपीएफ के डीआईजी श्री मनीष कुमार सच्चर सर के द्वारा किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ईद के लिए सेवई और ड्राई राशन दिया जा रहा है। क्योंकि भीड़ ज्यादा लग रही है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रीमरो शिक्षा संस्थान की पूरी टीम तहे दिल से डीआईजी सीआरपीएफ श्री मनीष कुमार सच्चर साहब का शुक्रिया अदा करती है और उनको विश्वास दिलाती है कि इस तरीके खाना है तो खा लो भाई, नहीं दोस्त कहीं मिल नहीं रहा यार। चावल है, फ्राई चावल है। ये सही टाइम की रखते हो तो ये सही। देखिए लास्ट ईयर जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका था। हमारे इस फोर्स का तो मोटो ही है सेवा और निष्ठा। तो उस समय चूंकि पूरा लॉकडाउन था, लोगों के पास कोई खाने पीने को भी नहीं, हम सड़क पर देख रहे थे, था दुकानें नहीं खुल रही थी, तो हमने उस समय से एक मुहिम चलाई थी अपने कैंप में एक मुट्ठी अनाज की, जिसमें हमने अपने प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके और फिर उसकी खिचड़ी और फूड्स बना करके डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया था। वहाँ से इसका इनिशिएटिव हुआ था और उसके बाद फिर हमने अनाज के साथ साथ अपने कैंप के जो पुराने लोगों के कपड़े थे उनको भी धुलवा करके प्रेस करा कर नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ईद आई थी पिछले साल, उसमें हमने सेवई पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे ताकि लोगों का त्यौहार कम से कम मिनिमम जो चीज़ें हैं उनके साथ मनाया जा सके। अभी फिर कोरोना का सेकेंड वेव आई है तो लॉकडाउन देखकर हम लोगों को लगा कि कई लोगों को इसकी ज़रूरत है। लॉकडाउन में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने पीने को नहीं है, दुकानें बंद हैं, तो हम लोगों ने इस बार जो मुहिम शुरू की थी वो शुरू की थी हॉस्पिटल से। क्योंकि हम लोगों को लगा कि हॉस्पिटल में मरीजों को तो हॉस्पिटल खाना दे देता है परंतु उनके तीमारदारों को खाना कहाँ से मिलता होगा। तो हमने दो बार जो है फूड पैकेट्स ये प्राची हॉस्पिटल फाफामो में डिस्ट्रीब्यूट किए, एक बार विनीता में किए, फिर एक बार हम लोगों ने जब कम्प्लीट लॉकडाउन था तो प्रोमिनेंट प्लेस रेलवे स्टेशन, हनुमान जी का मंदिर, बस स्टैंड, इन तीन चार जगह पर फूड बना बना करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा हम लोग ड्राई राशन एक प्रिमरोज शिक्षा संस्थान है करेली में, जिसके संस्थापक हैं श्री फरहान आलम, एडवोकेट हैं, वो इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ड्राई राशन हम लोग भेजते रहते हैं उनको अपने कैंप से इकट्ठा करके और वो नीडी लोगों को बीपीएल कार्ड देख देख कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी जब ईद आई थी तो फिर हम लोगों को ये आइडिया आया कि बेयर नेसेसिटी तो कम से कम लोगों के पास होनी ही चाहिए ईद मनाने के लिए, और हम लोगों ने ईद के पैकेट्स बनवा करके सेवई के पैकेट्स उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए करेली में, ताकि लोगों का कम से कम बेसिक त्यौहार कम से कम चीज़ों के साथ मनाया जा सके। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हमारे लोग मास्क और ग्लव्स पहन करके जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन करते हुए टेबल लगा देते हैं, टेबल पर सारा सामान लेआउट कर दिया जाता है और एक एक आदमी डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो अगर हम लोग फूड पैकेट्स देते हैं तब की बात है।
अगर हम लोग ड्राई राशन देते हैं तो वो प्रेम रोज शिक्षा संस्थान है फरहान साहब की, उनको हम लोग ड्राई राशन अवेलेबल करवा देते हैं, वो उनको पैकेट्स में कन्वर्ट करके और एक एक आदमी का बीपीएल कार्ड देख करके उसको उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, किसी को 1 किलो 2 किलो 4 किलो जितना देना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए इस टाइम सारे स्कूल कॉलेजेस तो बंद हैं तो शिक्षा के लेवल पर मदद करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। इस समय लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लॉकडाउन में दुकानें नहीं खुल रही हैं, जो डेली मजदूर हैं उन लोगों के पास डेली का रोज़गार नहीं है, तो हमारी दृष्टि में जो फूड पैकेट्स है यही सबसे कारगर तरीका है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम बेनिफिट कर सकते हैं। और हमारे पास चूँकि रिसोर्सेज होते हैं, टीम होती है, गाड़ियाँ होती हैं, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खाली फूड पैकेट्स अरेंज करना है, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी डोनेशन करने वाले कैंप में लोग हैं विलिंगली जो आगे आते हैं और अपना राशन हम लोगों को देते हैं और हम लोग उसको फूड बनवा बनवा करके डिफरेंट प्लेसेस पे करते रहते हैं। आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा हफ्ते में कम से कम एक बार हम ज़रूर ये इंश्योर करेंगे कि हमारा ट्रक निकले और किसी जगह पर नीडी लोगों को ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करे। हम पूरे देश की समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते बट कुछ लोगों की समस्या का समाधान ज़रूर कर सकते हैं। और हमारा ये मैसेज सबसे है कि सिर्फ 2% लोग कोरोना से पीड़ित हैं और बाकी 30-40% लोग इस बेरोज़गारी से और बेसिक नीड से पीड़ित हैं। तो अगर हर व्यक्ति इस तरह से एक एक फूड पैकेट बना करके सामने आता है तो उन सभी लोगों की मदद निश्चित रूप से हो जाएगी।